सेंटर आज करेंगे बात हम ये BTE हेयरिंग एड है, बिहाइंड द ईयर कहते हैं इसको, कान के पीछे कैसे लगाएं, कैसे इंस्टॉल करें, कैसे बैटरी चेंज करें, तो ये सब आपको मैं बताऊंगा। पहले तो आपको ऐसा ईयरबड्स मिला होगा, इसे BT टिप कहते हैं, ये मिला होगा, और हेयरिंग एड, ये पाइप इसके अंदर जाता है। मैं आपको बताता हूँ, आप इस तरह पहले आप कान के पीछे रख लेंगे इस मशीन को, इस तरह से, और फिर ये कान के अंदर रख लेंगे। अगर एक्स्ट्रा पाइप है तो कैंची से काट देंगे इस पाइप तक, और अगर फिक्स्ड आ रहा है तो इसको इस तरह से अंदर डाल देंगे। ये देखिए लग गया हेयरिंग एड, और इसको लगाते कैसे, अपने कान के एंगल के हिसाब से घुमा लिया, और घुमाने के बाद कान के पीछे रखा और ये अंदर डाल दिया। ये आपका हेयरिंग एड लग चुका है परफेक्ट तरीके से। इस तरह से आप बिहाइंड दी हेयरिंग एड यूज़ करेंगे। सब हेयरिंग एड के फीचर्स अलग अलग होते हैं, तो मैं फीचर्स के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। किसी किसी हेयरिंग एड में यहाँ दो बटन दिए होते हैं, पुश बटन, ऊपर वाले से आवाज़ बढ़ती है, नीचे वाले से कम होती है। पुश बटन आवाज़ बढ़ाने का और कम करने का होता है। बाकी किसी में यहाँ टॉप बटन ऑन ऑफ के लिए होता है, 3 सेकेंड प्रेस करेंगे ऑन हो जाएगा, 3 सेकेंड प्रेस करेंगे ऑफ हो जाएगा। इस तरह का बटन अगर टॉप में आप में है तो वो 3 सेकंड प्रेस करेंगे ऑन होगा, 3 सेकंड प्रेस करेंगे ऑफ होगा। अब बात करते हैं बैटरी कैसे चेंज करते हैं। जिस तरफ रबड़ होती है उस तरफ आपको ये डोर खींचना होता है। यहाँ कर्व दे रखा है, ये खींचा आपने, और बैटरी लेते हैं आप, ये उल्टी साइड होती है, ये सीधी साइड होती है। बैटरी आप डालते हैं और बंद कर देते हैं, ये मशीन आपकी चालू हो गई। उसके बाद मशीन को आप लेते हैं, इस तरह से कान में लगाते हैं और इसको कान के अंदर डाल लेते हैं। ये होता है मशीन को लगाने का तरीका, बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड है, BTE कहते हैं इसको। ये तरीका एकदम परफेक्ट होता है। अगर आपकी मशीन सीटी मार रही है बार बार सी सी, तो मतलब आपने ठीक से नहीं लगाया, कान पूरा पैक होना चाहिए। थैंक यू सो मच। और अगर आप ये हेयरिंग एड, इस तरह के हेयरिंग एड लेना चाहते हैं, तो मैं आपको होलसेल रेट में, अच्छे रेट पे, डिस्काउंटेड रेट पे हेयरिंग एड दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच डिजिटल हेयरिंग एड से।